हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है एक्सरेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। एक्सरेस के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं और आप सब जानते हैं कि एक्सरेस की जो है फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। एक्सरेस की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है और जिस चीज़ की भी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिक ये है कि उसकी वेवलेंथ कम होगी, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 10^16 टू 10^20 हर्ट्ज इसकी यूनिट है। हर्ट्ज क्या है? इसकी यूनिट है। और इसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है। वेवलेंथ कितनी होती है? वेवलेंथ 0.01 टू 10 एंगस्ट्रॉन। और 10 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना होता है? 1 नैनोमीटर। ठीक है, ये होता है। तो हमने देखा कि एक्सरेस की जो है फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है और वेवलेंथ बहुत कम होती है। एक्सरेस जो होता है ये लाइट स्पीड के बराबर होता है, यानी इसकी स्पीड जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, लाइट स्पीड के इक्वल होती है। और इसके पहले हमने देखा था जो कैथोड से एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे, हाईली एक्सेलेटेड इलेक्ट्रॉन्स जो थे, उनकी स्पीड लाइट स्पीड की हाफ थी, यानी जितना ये है इसके आधा थी। और इसकी पेनेट्रेटिंग पावर, जब इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, वेवलेंथ कम है, पेनेट्रेटिंग पावर इसकी बहुत ज़्यादा क्यों है? इसकी पेनेट्रेटिंग पावर सब बहुत ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है। यानी जो एक्सरेज होता है वो क्या है? न्यूट्रल होता है। वो ना तो नेगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव होता है। इसकी पेनेट्रेटिंग पावर डिपेंड करेगी जिस मैटर में ये जाएगा, वहाँ पे एब्जॉर्ब हुई या वहाँ से पेनेट्रेट हुई, ये डिपेंड करेगा मैटर पे। जैसे मान लेते हैं कि अगर हमारे बॉडी में गई, हमारे बॉडी में एक्सरेज एंटर करेगी, तो वहाँ पे बोन है या सॉफ्ट टिश्यू है या फैट है, ये क्या है? बोन, सॉफ्ट टिश्यू, फैट, ये क्या है? मैटर है। ये डिसाइड करेंगे कि हमारी जो एक्सरेज हैं ये पेनेट्रेट करेंगी या एब्जॉर्ब होंगी, पेनेट्रेट करेंगी या एब्जॉर्ब होंगी। अगर बोन है, मान लो बोन है, तो बोन क्या है? एब्जॉर्ब कर लेगा। बोन की डेंसिटी ज़्यादा है तो बोन क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन अगर कोई सॉफ्ट टिश्यू है तो उसमें क्या करेंगी? पेनेट्रेट कर जाएंगी। तो इसका जो पेनेट्रेटिंग पावर है ये बहुत ज़्यादा होता है। और ये पेनेट्रेटिंग पावर से एक और यहाँ एग्जांपल देके अगर आप समझ लें, पेनेट्रेटिंग पावर इसकी ज़्यादा जो बहुत होती है, पेनेट्रेटिंग पावर इसकी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि अगर इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ये एक्सरेज हैं, इस पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। अगर यहाँ पे निगेटिव चार्ज होता या पॉजिटिव चार्ज होता तो जिस मैटर में ये जाता वहाँ पे क्या करता? चार्ज का अगर यहाँ पे ये निगेटिव होता और यहाँ पे अगर गया कोई निगेटिव मिलता तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये अपोजिट जेंडर वाला मिल जाता, पॉजिटिव क्या है? अपोजिट है। तो अगर ये अपोजिट जेंडर वाला मिल जाता तो ये आगे जाएगा? आगे जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि अगर ये नेगेटिव है, मान लो ये ऐसा है नहीं, चार्ज नहीं होता, लेकिन हम बता रहे हैं कि अगर होता तो क्या होता, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि अगर एक्सरेज के पास चार्ज होता तो क्या होता। अगर इसके पास नेगेटिव चार्ज होता तो ये अगर पेनेट्रेट करेगा जिस भी बॉडी में जाएगा, जहाँ पे भी जाएगा वहाँ के मैटर पे, अगर वहाँ पे जो भी चार्ज मिलेंगे, चार्ज हर जगह है, तो अगर बॉडी में ये जाता, बॉडी में इसको कहीं अपोजिट जेंडर मिल जाता, पॉजिटिव चार्ज मिल जाता, तो ये इसको छोड़ के आगे जाएगा? नहीं जाएगा, ये यहीं पे रुक जाता अट्रैक्शन की वजह से। इसको क्या होता? अट्रैक्शन और बॉन्डिंग यहीं पे अपना रुक जाते, ये आगे ना जाते, तो पेनेट्रेटिंग पावर कम हो जाती। हमारा कहने का मतलब है कि अगर एक्सरेज के पास कोई चार्ज होता, नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी चार्ज होता, तो उसकी पेनेट्रेटिंग पावर इतनी ज़्यादा ना होती। एक्सरेज की पेनेट्रेटिंग पावर ज़्यादा क्यों है? क्योंकि
कोई चार्ज नहीं है, ना ये इसका कोई जेंडर नहीं है, ये क्या है, न्यूट्रल है, एक्सरे न्यूट्रल होता है, ठीक है। और अनडिटेक्टेड बाय ह्यूमन सेंसेस, किसी ने हमसे एक बार पूछा था कि सर एक्सरे जो हैं उसकी स्मेल क्या होती है, पूछा था ऐसे किसी ने एक बार। तो एक्सरेज कोई नहारी कोरमा नहीं है, एक्सरेज का ना तो स्मेल होती है, ना तो इसका टेस्ट होता है, और ना तो ये आँखों से दिखाई देते हैं, ठीक है। ह्यूमन के जितने भी सेंसेज हैं कोई इसको अनडिटेक्टेड हैं। एक्सरेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, एक्सरेज जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में, ये रिफ्लेक्ट डिफ्लेक्ट कुछ नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, उनकी वजह यही है जो हमने अभी आपको बताया। अगर ये यहाँ पे चार्ज नहीं है तो इसको कोई नहीं रोकेगा। अगर ये निगेटिव होता और यहाँ भी हम निगेटिव अगर रखते तो ये यहाँ से जाके डिफ्लेक्ट हो सकता था, पाथ अपना चेंज कर सकता था। और अगर यहाँ पे अपोजिट जेंडर मिल जाता दूसरा कैटेगरी वाला तो क्या करता है, यहाँ पे उसकी वजह से भी ये रुक सकते थे, लेकिन इनका कोई जेंडर ही नहीं है, एक्सरेज का कोई जेंडर ही नहीं है, तो ये नहीं रुकेंगे, इनका सीधा स्ट्रेट पाथ होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड कोई इस पर असर नहीं करेगी। अभी जैसे हमने बात किया था फोकसिंग कप में जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं कैथोड से, तो फोकसिंग कप भी निगेटिवली चार्ज होता है, तो वो क्या करता है, निगेटिवली चार्ज जो भी होता है ताकि इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली चार्ज हैं उनको बाहर ना जाएं, उनको अंदर की तरफ मेन स्ट्रीम में रखता है। तो ये हमारा था कि डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड किसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं, हमने देखा था, हमने पायरेक्स ग्लास में भी देखा कि वैक्यूम वहाँ पे था लेकिन एक्सरेज वहाँ पे थी, एक्सरेज वहाँ से बाहर आई। और ये जो है फ्लोरेसेंट मटेरियल, जैसे हमारा सीआर में मतलब कंप्यूटर रेडियोग्राफी में पीएसपी प्लेट का यूज़ करते हैं, पीएसपी फोटो स्टिमुलेबल फॉस्फर इसमें यूज़ करते हैं पीएसपी प्लेट का। पीएसपी प्लेट में जो उसके जो फ्लोरोसेंट मटेरियल्स होते हैं वो एक्सरेज को क्या करेंगे, वहाँ पे ग्लो, जब एक्सरेज जाएगी वहाँ पे ग्लो करेंगे, इसका इसी का ये कह रहा है। कैन काज आयोनाइजिंग इन आयोनाइजेशन इन मैटर, बॉडी में या कहीं पे भी, बॉडी में गया तो वहाँ पे अगर जाके हमारे जो एटम होंगे, हर जगह एटम है, बॉडी में भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन है इलेक्ट्रॉन है, तो अगर जाके वहाँ पे किसी इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा वहाँ पे, तो वो क्या होगा, आयोनाइज हो जाएगा। आयोनाइजेशन क्या होता है, जब कोई भी एटम अगर कम्प्लीटली फिल है उसका इलेक्ट्रॉन सारे के सारे, तब तक तो ठीक है न्यूट्रल है, लेकिन अगर उसका एक निकाल दिया हमने तो इस पर चार्ज आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन एक चार्ज हुआ निगेटिव चार्ज, और इस पर जब लग जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज, अब ये क्या हुए, आयोनाइजेशन हो गया, इनका आयन्स में चेंज हो गए। तो ये एक्सरेज की वजह से होता है बॉडी में, और ये न्यूट्रल होते हैं, इनका कोई चार्ज नहीं होता। तो आज के बारे में आज हमने देखा कि इनकी स्पीड जो है बहुत ज़्यादा है, लाइट स्पीड के बराबर होती है, और इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, इनकी वेवलेंथ बहुत कम है, और एक्सरेज जो है स्ट्रेट लाइन में होते हैं। क्यों स्ट्रेट लाइन में होते हैं, क्योंकि इनके पास कोई चार्ज नहीं होता है। अगर चार्ज नहीं है तो ये नहीं रुकते हैं, और इसी वजह से चार्ज नहीं है, इसी की वजह से इनका जो पेनेट्रेटिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा होता है। गामा भी बहुत पेनेट्रेटिंग है, क्यों, क्योंकि उसके पास भी कोई चार्ज नहीं है, अगर चार्ज होता तो इतना पेनेट्रेटिंग ना होते। स्ट्रेट लाइन में है, डिफ्लेक्ट नहीं होंगे, ना इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से किसी से भी इनसे कोई इन पर असर नहीं पड़ेगा। इनका हमने अभी आपको एग्जांपल बताया ना कि ये ना तो निगेटिव जेंडर वाले हैं ना पॉजिटिव जेंडर वाले हैं, तो इन पे ना निगेटिव जेंडर का कोई असर पड़ेगा ना पॉजिटिव का असर पड़ेगा। और इनका ये आज हमारा टॉपिक यही था एक्सरेज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और
नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।